जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के तहत आने वाली पंचायत दियोत में पंचायत के कार्य में धांधली होने की आशंका सामने आ रही है। जिस तरह स्थानीय पंचायत के लोग दिन प्रतिदिन पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ और पंचायत प्रधान पर धांधली करने के आरोप लगा रहे हैं और पंचायत कार्यों की जांच करने के लिए सरकार और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकतर काम पंचायत प्रधान ने नहीं करवाए हैं, जिनके दस्तावेज पंचायत प्रधान के पास जमा करवा दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जिनके काम नहीं हो रहे हैं और पंचायत के प्रधान कह रहे हैं कि हमारी पंचायत शौचालय मुक्त हो गई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में अभी पूरी तरह शौचालय नहीं बने हैं और पंचायत को शौच मुक्त का अवार्ड भी दे दिया गया है, जबकि काफी लोगों के पास शौचालय भी नहीं है। पंचायत के लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि द्योत पंचायत में जो भी कार्य हुए हैं उन पर उच्च स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जिस पर पंचायत प्रधान राजनीति कर रहे हैं, अधिकतर काम बंद कर दिए गए हैं और कुछ काम शुरू ही नहीं किए हैं। जब इस बारे में द्योत पंचायत उप प्रधान श्यामलाल से बात की गई तो श्यामलाल ने कहा कि जो पंचायत प्रधान है उसने कुछ चुनिंदा लोगों के काम किए हैं। उप प्रधान ने कहा कि पंचायत को शौचालय मुक्त अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन इस पंचायत के किसने सर्वे किए हैं उन्हें भी इस बात का पता नहीं है और अधिकतर लोगों के पास शौचालय भी नहीं है। जो इस पंचायत को शौचालय मुक्त अवार्ड कैसे दिया गया, इसकी जाँच उच्च अधिकारियों से जाँच करने की मांग करते हैं। मैंने आज कुछ लोगों से बात की, मार्केट में आया तो मैंने देखा कि लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं। मैं 4 साल पहले हमारे चुनाव हुए, 4.5 साल पहले तो ऑब्जर्व की मैंने चीज कि लोगों के काम बहुत सारे हैं। हमने सेल्फ से बना बना के भेजी, बाद में देखा वो सेल्फ रह गई ऐसे, और प्रधान ने कुछ चुनिंदा आदमियों के काम करने शुरू कर दिए, जिससे अब उसको चाहे राजनीतिक तौर पे जोड़ कर देखा जाए, चाहे किसी भी उससे जोड़ सकते हैं। अब मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ये कुछ जो लोग बचे हुए हमारे, कम से कम भी अभी कोई 30% लोगों के पास हमारे पंचायत में टॉयलेट नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत देवत को खुला शौच मुक्त अवार्ड दे चुके हैं सरकार। वो किस बेस के ऊपर दिया है, किसने सर्वे किए हैं, इसका हमें कोई ज्ञात नहीं है। मैं खुद उप प्रधान हूँ, जब मैं उप प्रधान बना तो सबसे पहले मेरा एक ही जो मेरी सोच थी कि जितने भी घरों में टॉयलेट नहीं है उन घरों को सबसे पहले खुला शौच मुक्त किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ जो लोगों की मांगों को उठाता रहता हूँ, बाकी 5, 6, 7 मेंबर है, एक प्रधान है, वो मेरी सुनवाई नहीं करते हैं, नहीं सुनते हो कभी भी नहीं। मेरे को तो इतना डर रहता है, वो कभी भी मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के ऊपर आतुर रहते हैं हर वक्त। मैंने पीछे भी झेला है, मैं प्रशासन से मांग करूँगा अगर कोई ऐसी बात करते हैं मेरे खिलाफ तो प्रशासन जिम्मेदारी ले, प्रधान जिम्मेदारी ले, पंचायत जिम्मेदारी ले। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, नहीं मैं किसी भी जाति से या किसी भी मतलब समुदाय को मतलब इसका ब्लेम नहीं देना चाहता, नहीं मेरी कोई जाति दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। हम चाहते हैं लोगों की डेवलपमेंट हो, समाज का विकास हो। मुझे प्रधान ने मेरा फोटो भी ले लें और सब कुछ ले लिया, वो सुनवाई नहीं कर रहा करता। पंजाब बार में प्रधान के पास गया, वो सुनवाई नहीं करता, बोलता है कर रहा करेगा करेगा, तू करता तो है नहीं है। खेत भी भर गए लोगों के, मैं बहुत तंग हो गया, लोग गाली दे रहे हैं अभी गंद पड़ गया है ना। तो ऐसा है भाई, आपकी बड़ी कृपा है इस बात को बना दे। सब जो अब बार बार ये बोल रहा है कि तो बन जाएगा, बड़ा है ना वो। बाकी ये घर में बच्चे हैं, कहाँ टॉयलेट करना, किसी के घर में जाए तो वो बोलते भाई टॉयलेट बनाओ, कहाँ बड़ा है। बाकी ये मुक्त कैसे हुई, जो पंचायत मुक्त कैसे हुई जब टॉयलेट नहीं कहीं।